हेलो स्टूडेंट्स, हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड और दिस डेली करंट अफेयर क्विज सेशन। आप सभी का स्वागत है। जुड़ जाएं स्टूडेंट, प्लीज कमेंट कमेंट बॉक्स में मुझे कंफर्म कर दें एक बार, एम आई ऑडिबल और नॉट। स्टूडेंट्स, आपका सेशन शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। पहाड़ी ब्लॉग, सुनील कुमार ऑडिबल है स्टूडेंट्स? तो सेशन शुरू करते हैं। चले सो स्टूडेंट, हमारे इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। 6:30 बजे आपके ये डेली लाइव सेशन शुरू हो जाता है, तो थोड़ा सा मैं आपसे डेली ही रिक्वेस्ट करता हूँ, आप पहले ही ज्वाइन कर लें सेशन को। बी रेडी फॉर करंट अफेयर्स, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी प्रिपरेशन का स्टूडेंट। बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, लेट अस नो बिट अबाउट अवर कॉम्प्रीहेंसिव कोर्स। हमारा बैच जो है, आज आखिरी दिन है आपके एडमिशन का इस बैच का, ठीक है? 23 अगस्त से ये बैच हमारा कॉम्प्रीहेंसिव फुल लेंथ कोर्स शुरू हो चुका है, ठीक है? तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं स्टूडेंट। ये जो हमारा कोर्स है स्टूडेंट, ये आपकी प्रीलिम्स से इंटरव्यू तक की जर्नी को कंप्लीट करता है। 200+ GS लेक्चर्स इसमें इंक्लूड है, 75 लेक्चर्स सी सेट के इसमें इंक्लूड रहेंगे स्टूडेंट। नोट्स आपको 3000 से भी ज्यादा पेजेस के आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। साथ ही साथ टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही इस कोर्स का हिस्सा है। करंट अफेयर्स मैगजीन प्रीलिम्स और मेंस दोनों इस कोर्स में प्रोवाइड कराई जाएंगी। मॉक इंटरव्यू सेशन इस कोर्स का हिस्सा है, और जो भी डाउट्स आपकी प्रिपरेशन से संबंधित हैं वो आपसे उनको रिजॉल्व करने के लिए वीकली डाउट सेशन भी इस कोर्स में ही आपको उपलब्ध कराए जाएंगे। एंड द फी ऑफ दिस कोर्स इज 22,500 रुपीज। तो आप इस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हैं, फर्दर भी आप जो है हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं स्टूडेंट। साथ ही साथ अभी बहुत कम समय आपकी प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए बचा है, सो इट्स अ राइट टाइम कि आप टेस्ट सीरीज को फॉलो करें और डेली एक क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करें, ताकि एक अच्छी प्रेपरेशन आपके एग्जाम्स की हो सके स्टूडेंट। हमारे ही जो प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है, इसमें टोटल 20 पेपर हैं, जिसमें सेक्शनल टेस्ट आपके 10 रहेंगे, फुल लेंथ टेस्ट 5 हैं, और सी सेट टेस्ट भी इसमें 5 इंक्लूड है, और 999 इसकी जो है वो फी है स्टूडेंट्स। तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, अब शुरू करेंगे आज का सेशन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। विच विलेज ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट इज सेलेक्टेड अंडर द विलेज हैंडलूम इनिशिएटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? हाँ जी स्टूडेंट्स, अभिषेक जम्बाल, आई एम वेरी फाइन। पहाड़ी ब्लॉग नोटिफिकेशन स्टूडेंट, आपको टेलीग्राम में नोटिफिकेशन भेज दिया जाता है, ठीक है? तो आप टेलीग्राम चैनल भी हमारा ज्वाइन करें, और जितनी भी हमारी अपडेशन है उससे आप अवेयर रहेंगे। पॉइंट इज क्लियर। गुड इवनिंग एसके, सुनील, ऑल ऑफ यू वेलकम इन दिस सेशन। आंसर करेंगे स्टूडेंट, पहाड़ी ब्लॉक सरन बता रहे हैं, ठीक है? ऑप्शन ए मोरू है, बी सरन, सी बासा, डी भनियार। प्रियंका राणा बी बता रही है, सरन। निधि भी बी बता रही है। रितिका ठाकुर भी बता रही हैं। बाकी भी आंसर करें स्टूडेंट सभी, योर पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेसी एंड वी हैव अ राइट टू पार्टिसिपेट इन ईच एंड एवरी अफेयर, सो इवन इन दिस सेशन। निधि कश्यप भी बता रही हैं। स्टूडेंट सभी का आंसर सही है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके, ठीक है? प्रीलिम्स में भी और फर्दर मेंस में भी आपकी गवर्नमेंट स्कीम्स में आप ऐड कर सकते हैं, या अगर कोई सेंट्रल स्पॉन्सर्ड प्लान है, स्कीम है, उसमें भी आप ऐड कर सकते हैं। तो शरण स्टूडेंट जो है, अभी रिसेंटली क्या है कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे आपके इंडिया से 10 गांव को सेलेक्ट किया है फॉर हैंडलूम, जिन्हें विलेज हैंडलूम इनिशिएटिव के तहत रखा गया है। तो उसमें कुल्लू डिस्ट्रिक्ट का एक गाँव आया है शरण नाम का, ठीक है? अब इसके लिए सेंटर की तरफ से 118.63 लाख रुपीज जो है वो सेंक्शन किए जाएंगे, और दूसरी तरफ स्टेट गवर्नमेंट भी है तकरीबन 13.40 लाख रुपीज जो है कंट्रीब्यूट करेगा, सो दैट जो है हैंडलूम इंडस्ट्री है उसे बूस्ट मिल सके ग्रास रूट लेवल पे। देखिए कहीं ना कहीं जो गांधीयन मॉडल है ना,
गांधीन मॉडल में महात्मा गांधी जी ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज दिया। उन्होंने कहा कि भाई हैंडीक्राफ्ट जो है ना वो एक बहुत फाइन अल्टरनेटिव है भारत जैसे देश के लिए आजीविका कमाने के लिए। कारण उन्होंने ये बताया कि भाई मानसून बेस्ड हमारा एग्रीकल्चर है, मैं बात कर रहा हूँ वहां से 70-80 साल पहले जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं बैक टू द रूट्स वाली बात है कि भाई जो गांधीन मॉडल की प्रिंसिपल्स है उनको हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। लगातार प्राइम मिनिस्टर जी हर प्लेटफॉर्म से जो है प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं हैंडीक्राफ्ट, रूरल इंडस्ट्री को प्रमोट करना, ठीक है, ये प्रायोरिटी है। चलिए स्टूडेंट ने अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। रिसेंटली द सीएम जयराम ठाकुर हैज अनाउंस टू शिफ्ट द डिवीजन वन ऑफ द पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट फ्रॉम मंडी टू वेयर। ऑप्शन ए सुंदरनगर, बी सरकाघाट, सी ध्रंग, डी करसोग। ठीक है, अभी शिफ्ट किया है डिवीजन वन पब्लिक पीडब्ल्यू जो डिपार्टमेंट है मंडी से शिफ्ट करके कहां किया गया है। आंसर करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर टू। हाँ जी स्टूडेंट्स आंसर करेंगे पहाड़ी ब्लॉक सरकाघाट बता रहे हैं। अगर कोई मंडी से है तो उनको ज्यादा पता होगा मंडी वालों को। योजना खड़वाल बी बता रही है, गौरव टू बता रहे हैं, सरकाघाट ही बता रहे हैं सभी, एसके ए बता रहे हैं सुंदरनगर। बाकी भी आंसर करें स्टूडेंट, सभी ने आंसर करना है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर कोई गलत भी आंसर हो जाता है देयर इज नो वन टू जज यू। ईशा ठाकुर बी बता रही है, ऑल ऑफ यू आर सेइंग बी, बी कह रहे हैं सभी। डीसी ठाकुर भी बी बता रहे हैं। स्टूडेंट सभी का आंसर गलत, आज एक का भी आंसर ठीक नहीं है, सी इज द राइट आंसर, ध्रंग। ठीक है, अभी मंडी से ध्रंग शिफ्ट किया गया है पीडब्ल्यू का जो डिवीजन वन है उसे, तो ये इंपॉर्टेंट है। और अभी सीएम जो हमारे हैं विजिट किए थे और बहुत सी अनाउंसमेंट उन्होंने डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में मंडी क्षेत्र के लिए की, ठीक है, उसमें से एक ये भी था। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। पोषण माह इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर सिंस 2018 इन द मंथ ऑफ। ऑप्शन ए जुलाई, बी अगस्त, सी सितंबर, डी मार्च। क्वेश्चन नंबर थ्री स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थ्री स्टूडेंट, पोषण माह सितंबर बता रहे हैं अभिषेक, एसके बी बता रहे हैं अगस्त, प्रियंका राणा सी बता रही हैं सितंबर, ईशा ठाकुर सी, अभिषेक जम्बाल सी, सितंबर ही बता रहे हैं सभी। हाँ जी स्टूडेंट्स क्या आंसर होगा, सभी आंसर करें। तो स्टूडेंट राइट आंसर इज सी सितंबर। ठीक है, हर साल 2018 से ये पोषण आपका एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था जिसे भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए स्टूडेंट कि जो भारत में माल न्यूट्रिशन की समस्या है, ठीक है, और जिससे स्पेशली जो है बच्चे और महिलाएं जूझ रही हैं ज्यादातर, तो न्यूट्रिशन उनको किस प्रकार से दिया जा सकता है डिफरेंट इनिशिएटिव्स के माध्यम से अवेयरनेस बढ़ाई जाए, ठीक है, इसीलिए हर साल जो है सेलिब्रेट किया जाता है। तो अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने एक प्लान ऑर्गेनाइज किया है, ठीक है, और 2021 में पोषण माह जो है इसे मनाया जाएगा। अब ये जो फ्लैगशिप स्टूडेंट्स ये इनिशिएटिव इस साल लिया जा रहा है, ये आजादी का अमृत महोत्सव। देखिए सभी जितने भी आपके मिनिस्ट्रीज हैं वो अपने अपने तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव को सेलिब्रेट कर रही है कुछ गोल सेट करके, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो है कि भाई न्यूट्रिशन जो है ग्रास रूट लेवल पे पहुंचना चाहिए। बहुत सी महिलाएं आज जो है वो एनीमिक है, आयन की डिफिशेंसी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई है भारत में, ठीक है। हेल्थ कम्स फर्स्ट, हेल्थ ही अच्छी नहीं होगी, साथ ही साथ बहुत से अभी बच्चे ऐसे हैं जिनको पोषित आहार नहीं मिल पाता और उनमें कोई ना कोई डिफिशेंसी रह जाती है उनकी बॉडी में, जो कि फर्दर उनके लिए समस्या खड़ी करती है। तो लगातार यही
है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है, लैक्टेटिंग मदर है, चिल्ड्रन है, एडोलसेंट गर्ल्स हैं, उनका न्यूट्रिशन लेवल कैसे बढ़ाया जाए, ये प्रायोरिटी है। चलिए स्टूडेंट्स अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन August 26, August 27, August 28, August 29। क्वेश्चन नंबर फोर स्टूडेंट्स, न्यूक्लियर टेस्ट, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, बहुत महत्वपूर्ण है ये। क्वेश्चन नंबर फोर स्टूडेंट्स, आंसर करेंगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर फोर, पहाड़ी ब्लॉक 29 अगस्त बता रहे हैं, डी बता रहे हैं, ईशा ठाकुर डी, एसके डी, मुकेश भारद्वाज भी डी बता रहे हैं, 27 बता रहे हैं, प्रियंका राणा डी, निधि नेगी सी बता रही हैं, 28 निशा कश्यप डी बता रही हैं। सो स्टूडेंट्स डी जो है आपका अगस्त 29 इज द राइट आंसर। ठीक है, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले, अच्छा मैं एक और सवाल यहां से आपसे पूछना चाहूंगा, वो भी आंसर करेंगे स्टूडेंट आप, पहली दफा किस देश ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था और किस वर्ष किया था? और उस न्यूक्लियर टेस्ट को क्या नाम दिया गया था, ये भी आंसर करें स्टूडेंट्स। आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, एनीवन एल्स, पहली दफा न्यूक्लियर टेस्ट कब किया गया था, किस देश ने किया है? तो बहुत सिंपल है, तो आप बता देंगे शायद, बट अभी किसी ने आंसर नहीं किया आप में से। पोखरण टेस्ट, अभिषेक जी पोखरण कहां, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, मैंने कहा पहली दफा किस देश ने किया, भारत ने पहली दफा टेस्ट नहीं किया था, कोई बात नहीं, आइडिया नहीं है, इट्स ऑल राइट। योजना खड़वाल जर्मनी बता रही है, यूएसएसआर बता रही है, यूएसए ने किया था बेसिकली। ठीक है, देखिए ये बेसिकली सवाल इसलिए ना क्योंकि इतना तो आप सभी को नोन है ना कि भाई हिरोशिमा नागासाकी तो सभी नहीं पढ़ा होगा आपने स्कूल टाइम में कि भाई उस पे बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, किसने किए थे, यूएस ने, पहली दफा न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ऑब्वियसली यूएस ही करेगा ना। यूएस ने न्यूक्लियर न्यू मैक्सिको, ठीक है, 1945 में न्यू मैक्सिको डेजर्ट में जो है ये टेस्ट किया था अपना, और इसका नाम जो दिया गया था वो नाम दिया गया था ट्रिनिटी। ठीक है, इस टेस्ट को नाम दिया गया था स्टूडेंट ट्रिनिटी, पॉइंट इज क्लियर। भारत की बात करें तो हमने 1974 में पहली बार न्यूक्लियर टेस्ट किया गया, ठीक है, पोखरण में, जो पोखरण किसी ने आंसर किया था वो इंडिया के कंटेक्स्ट में ठीक है, हमारी न्यूक्लियर टेस्ट साइट यहीं पर है, देन हमने 1998 में भी टेस्ट किया है, क्लियर है। अब लगातार वर्ल्ड वाइड ये एफर्ट्स लगाए गए हैं कि भाई इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट इसीलिए सेलिब्रेट किया जाता है कि भाई न्यूक्लियर टेस्ट को प्रमोशन प्रमोट ना किया जाए। अभी बहुत से देश, अभी ईरान में रिफाइन किया जा रहा है, ठीक है, जो उनके रिसोर्सेज हैं, तो वो भी एक चिंता की जनक बात है कि भाई आने वाले समय में वी नेवर नो हाउ मेनी नेशंस विल कैरी द न्यूक्लियर वेपन। तो इसी के अगेंस्ट पे 29 अगस्त को हर साल जो है इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाया जाता है, ठीक है, प्रमोट किया जाता है जो आपकी ट्रीटीज हैं लाइक CTBT एंड NBT, ठीक है, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड CTBT कॉम्प्रीहेंसिव बैन ट्रीटी, ठीक है, ये 1968 में आपकी बनी थी सिग्नेचर करने के लिए और देन इट वॉज फाउंड इन 1966, दोनों पर ही इंडिया ने साइन नहीं किए हैं, क्लियर है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये पक्षपात करती है, तो लेकिन इसके बावजूद है स्टूडेंट्स की रिडक्शन किया जाना चाहिए, ये जरूर है कि सभी देशों को मिलकर इस बात पे जरूर सहमत होना चाहिए, अदरवाइज आने वाले समय में समस्या आएगी। छोटे छोटे देशों ने जो है अब न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, ठीक है, NPT जो थी 1968 में जस्ट जब भारत ने टेस्ट किया है, ठीक है, 74 में, उससे कुछ साल पहले, क्योंकि इसका कारण ये था कि 67 में चाइना ने न्यूक्लियर अपना वेपन जो था, या चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट सक्सेसफुली कर लिया था, वेरी सून NPT जो थी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन की गई कि ज्यादा से ज्यादा देश हैं अब न्यूक्लियर टेस्ट ना करें, और जो भी सिग्नेचरी होंगे एक्सेप्ट द P5 नेशन, जो पावरफुल नेशन है, जर्मनी,
सॉरी यूएसए, यूके, फ्रांस, चाइना एंड रशिया, इन देशों को छोड़ के कोई और देश जो है न्यूक्लियर वेपन नहीं रखेगा, ये ट्रीटी कहती थी। तो भारत ने इसीलिए दोनों पे साइन नहीं किए। और जापान एक ऐसा देश है जो कंप्लीटली वॉलेंटरली ये कहता है कि भाई वी आर नॉट गोइंग टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन बिकॉज दे हैव फेस द कंसिक्वेंसेस। चलिए स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। फाल्कन रॉकेट सिस्टम इज लॉन्च व्हीकल ऑफ विच प्राइवेट स्पेस कंपनी? ऑप्शन ऑप्शन ए ब्लू ऑरिजिन, बी स्पेसएक्स, सी आका, डी वर्जिन गैलेक्टिक। व्हाट शैल बी द राइट आंसर? ठीक है, प्लेडाइस के कह रही है यस दीज नेशंस डोंट वांट अदर्स टू डेवलप वेपन्स बट डोंट गिव अप ऑन देयर ओन वेपन्स। देखिए ये तो होता ही है ना, बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, इंटरनेशनल रिलेशन मेरा इंटरेस्ट भी है बहुत ज़्यादा, मेरी स्पेशलाइजेशन है, तो मैं इस बात को आपको कह सकता हूँ कि भाई ये जो एक थ्योरी है कि भाई न्यूक्लियर वेपन इज फॉर पीस, ये जो एक आइडियोलॉजी है, आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या सोच आने वाले समय में इंसान की हो रही है। बाकी छोड़िए, चलिए स्पेसएक्स आंसर कर रहे हैं स्टूडेंट। प्रियंका ए बी ए बता रही है ब्लू ऑरिजिन, प्रेजदाई के स्पेसएक्स बता रही है बी, हरविंदर सोहटा बी बता रहे हैं स्पेसएक्स। एकता महाजन बी बता रही है स्पेसएक्स। बाकी भी आंसर करें स्टूडेंट्स, स्पेसएक्स। चलिए सो स्टूडेंट्स बी ही आंसर कर रहे हैं मैक्सिमम ऑफ व्यू, सो बी जो है आपका बिल्कुल सही आंसर है स्पेसएक्स। ठीक है, स्पेसएक्स स्टूडेंट्स मुझे कमेंट मुझे बताएंगे आंसर करके किस प्रकार की ये ऑर्गेनाइजेशन है एंड हु इज द फाउंडर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत से सवाल आपके बन जाएंगे यहां से भी स्टूडेंट। स्पेसएक्स जो है ठीक है ये एक एरोस्पेस मैन्युफैक्चरर कंपनी है, ठीक है, जो बहुत से एरोस्पेस बेस्ड जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें उनका निर्माण करते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं। 2002 में एलन मस्क द्वारा इसे बनाया गया था, तब से ये लगातार काम कर रही है बहुत ही तेजी से, नासा के बहुत से प्रोजेक्ट्स में है ये को पार्टनर रहता है स्पेसएक्स। तो अभी रिसेंटली एक बहुत फाइन इनिशिएटिव लिया गया है स्पेसएक्स की तरफ से, उस पर बात करेंगे। क्या कहे कि अभी एक शिपमेंट भेजा गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जिसमें एन्स, एविकाडो, ह्यूमन साइज रोबोटिक आर्म, ठीक है, ये तमाम चीजें जो हैं भेजी गई हैं वॉलेंटरली ताकि यहाँ पर जो सात के आसपास जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको रिसर्च में भी हेल्प मिल सके और उनके जो टेबल्स उनके लिए भेजे जा रहे हैं कि भाई खाने पीने का सामान भी भेजना जरूरी है ना, तो ये तमाम चीजें जो है स्पेसएक्स द्वारा भी रिसेंटली भेजी गई, तो बहुत ही फाइन हम कह सकते हैं ये इनिशिएटिव है। और साथ ही साथ एक कह सकते हैं कि भाई स्पेस टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से आगे बढ़ रही है, आई थिंक वो दूर नहीं है कि हम बहुत से जो यूनिवर्स में छिपे हुए राज हैं उनको हम जान पाएंगे। ठीक है, एक समय था कि भाई स्पेस में जाना बहुत बड़ी बात होती थी, स्पेस में जाना आज से 10-15 साल पहले की बात ले लीजिए आप, इट वॉज अ बिग थिंग। आप स्पेस टूरिज्म को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं कि जैसे आप दिल्ली घूमने जाते हैं या कहीं आप अब्रॉड घूमने जाते हैं बड़ा आसान से, उसी प्रकार से अब स्पेस भी स्पेस में जाना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो स्टूडेंट आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अवनि लेखारा हैज वन इंडियाज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 2020 टोक्यो पैरालंपिक्स इन, ऑप्शन ए हर्डल्स, बी टेबल टेनिस, सी टेनिस, डी शूटिंग। क्वेश्चन नंबर सिक्स स्टूडेंट्स, हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज इन फ्रंट ऑफ यू। अवनि लेखारा, सो स्टूडेंट हाँ जी मुकेश भारद्वाज डी बता रहे हैं शूटिंग। बीबीएन क्लब, प्रियंका, अभिषेक, एसके, ईशा ठाकुर, गौरव, रितिका, अभिल शर्मा, पहाड़ी ब्लॉग, ऑल ऑफ यू आर सेइंग योजना, प्रियंका परमार, हरविंदर डी बता रहे हैं। स्टूडेंट जो डी है आपका बिल्कुल सही जवाब है, जिन जिनका डी जिन्होंने आंसर किया है बिल्कुल सही है, बहुत बड़ी बात है भाई कि पैरालंपिक्स में भी मेडल आए, पांचवी ऐसी ये हमारी स्पोर्ट्समैन बनी है पैरालंपिक्स में जिन्होंने गोल्ड जीता है,
ठीक है, अभी तक सिर्फ 5 ही लोगों ने पैरालंपिक्स में गोल्ड जीता है। बट अनफॉर्चुनेट जो चीज है सबसे बड़ी वो है कि जितना हाइप ओलंपिक्स में मिलता है बाकी एथलीट्स को, उतना पैरालंपिक्स में नहीं मिलता। बहुत खराब चीज है ये, क्योंकि मेडल तो मेडल है, ओलंपिक्स की ही बात हो रही है, ठीक है। तो अभी बहुत गौरवान्वित करने वाले पल है, 2 मेडल हम ऑलरेडी आई थिंक गोल्ड जीत चुके हैं और 7 टोटल अभी तक हम मेडल भारत जीत चुका है टोक्यो पैरालंपिक्स में। सो बी प्रिपेयर्ड, पैरालंपिक्स की भी खबरों पर नजर रखें इस प्रकार से आप ओलंपिक्स की न्यूजों को पढ़ रहे थे, ठीक है। अपनी लिखा रहना है मेडल जीता है 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग, तो ये किस इवेंट में जीता है ये इंपॉर्टेंट है, क्लियर है स्टूडेंट्स। चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। बाय ब्रेक ऐप लॉन्च रिसेंटली एसोसिएटेड विद, ऑप्शन ए योगा, ईयर लॉन्ग एजुकेशन प्लानर फॉर स्टूडेंट्स, इज ट्रैफिक एट चौक पॉइंट्स, बी नन ऑफ द अबव। वाई ब्रेक ऐप, हाँ जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 इज इन फ्रंट ऑफ यू। अभी आई थिंक अच्छा बढ़ के 10 हो गए, 10 मेडल जीत लिए भारत ने, बहुत अच्छी बात है। अभिषेक जम्बाल योगा बता रहे हैं, प्रियंका भी ए बता रही हैं, ईशा ठाकुर ए बता रही हैं योगा, हरविंदर सहोटा ए बता रहे हैं योगा। यस स्टूडेंट, बाकी भी आंसर करें, पहाड़ी ब्लॉग ए बता रहे हैं, मिस्टिक क्लाउड ए बता रही हैं, विनय कुमार ए बता रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम ऑफ यू आर सेइंग ए, सो स्टूडेंट ए जो है आपका सही आंसर है। आयुष मिनिस्ट्री द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है भाई, बाय ब्रेक ऐप। जैसे मैंने कहा ना, बहुत सी मिनिस्ट्री जो है अपने अपने तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रही है, और सबसे अच्छा तरीका है दैट यू हैव कुछ रेजोल्यूशन बनाए, कुछ सेट ऑफ गोल्स हम फर्दर सेट कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से आयुष मिनिस्ट्री ने भी किया है, आयुष मिनिस्टर जो है सर्वोनंदा सोनोवाल, उन्होंने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। और इसमें प्राइमरी जो गोल है कि भाई हेल्थ जो है उसे प्रमोट करना है, साथ ही साथ आपके योगा को प्रमोट करना है, और मेडिसिनल जो प्लांट्स हैं, ये कैंपेन जो चलाया जा रहा है इसका सबसे बड़ा एक काम ये भी है कि भाई मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फार्मिंग के लिए जो फार्मर्स हैं उनको उसके बारे में जानकारी दी जाए और एग्रीकल्चर में मेडिसिनल प्लांट्स को लाया जाए, ठीक है। और सही जानकारी होगी, सही प्रकार से नॉलेज होगा, तो उसकी जो है अच्छी क्रॉप्स होंगी और उसका फायदा किसान को भी मिलेगा, और जो हमारी मेडिसिनल प्लांट्स हैं या हम कह सकते हैं जो हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज है उसमें भी बढ़ोतरी आएगी, ठीक है। तो बहुत फाइन इनिशिएटिव हम कह सकते हैं ये लिया जा रहा है आयुष मिनिस्ट्री द्वारा। साथ ही साथ इसमें ये भी कहा है कि भाई कंपल्सरी किया जाए योगा करना सभी के लिए, स्पेशली जो वर्किंग है, वर्किंग लोग हैं, सुबह उनके लिए योगा करना कंपल्सरी किया जाए, तो ये भी एक बहुत फाइन इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन, आंसर करेंगे स्टूडेंट, नेशनल स्पोर्ट्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन ऑगस्ट 29, सितंबर 29, जुलाई 29, बी जून 29। क्वेश्चन नंबर 8, फिट इंडिया ऐप, बिल्कुल जी, ये भी इस पर भी बात की जाएगी, डोंट वरी। पहाड़ी ब्लॉग ए बता रहे हैं अगस्त 29। सभी का आंसर लीप गर्ल, निशा कश्यप, एसके, इशिका, रितिका, गौरव, विनय, अभिल शर्मा, वीना खातून, योजना खड़वाल, ऑल ऑफ यू आर सेइंग 29 अगस्त, ठीक है स्टूडेंट। सो ए जो है आपका बिल्कुल सही है। तो बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया है हमारे यूथ एंड यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्टर द्वारा, अनुराग ठाकुर जी हैं, ठीक है, और बहुत लंबे अनुभव है उन्हें स्पोर्ट्स के साथ, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई वाज स्टडिंग इन कॉलेज, तो धर्मशाला में ही यूज टू विजिट, क्योंकि स्टेडियम का काम चल रहा था, कंस्ट्रक्शन चल रहा था, एंड उस समय वो आपके जो हमारी क्रिकेट एसोसिएशन है स्टेट की, उसके वो चेयरमैन थे, तो लंबा एक अनुभव है उनका। एप्लीकेशन वॉज लॉन्च एज अ पार्ट ऑफ आजादी का अमृत महोत्सव, ठीक है। मैंने कहा ना अलग अलग मिनिस्ट्रीज अपने अपने तरीके से मना रही हैं, तो उन्होंने ये फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है, और इसमें भी प्रायोरिटी यही है कि भाई दोनों ही भाषाओं में ही अवेलेबल होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदी में ही प्रमोट किया जाएगा, इंग्लिश में भी इसमें है, और इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ये है कि भाई हेल्थ चेकअप आप अपने फोन के माध्यम से कर सकते हैं, एंड्रॉयड फोन के माध्यम से, ठीक है। और साथ ही साथ आपको डेली रूटीन जो आपकी होगी वर्कआउट की या
न्यूट्रिशन आपको क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, बेसिक सभी जानकारियां आपको इस फोन के इस ऐप के माध्यम से प्रोवाइड हो जाएंगी। ठीक है, तो फिट इंडिया को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है, भारत सरकार की तरफ से बहुत ही फाइन इनिशिएटिव लिया गया। हाँ जी, बर्थडे, ये जो स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, ये मेजर ध्यानचंद लेजेंडरी हॉकी प्लेयर हैं, उन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे स्पोर्ट्स से सेलिब्रेट किया जाता है। बिल्कुल सही। पहाड़ी ब्लॉक कह रहे हैं सर, उस टाइम हम धर्मशाला कॉलेज पढ़ते थे। अरे क्या बात है, तब तो आप, हो सकता है आप मेरे बैचमेट हो, बिकॉज मेरे हमारे सामने ही जो था धर्मशाला कॉलेज, सॉरी स्टेडियम बना था। चलिए आगे बात करेंगे। योगेश कुदानिया हैज क्लीन सिल्वर मेडल इन पैरा ओलंपिक्स इन विच इवेंट? ऑप्शन ए शॉटपुट, बी डिस्कस थ्रो, सी जैवलिन थ्रो, बी हर्डल्स। आंसर करेंगे स्टूडेंट्स, योगेश कुतानिया हैज क्लिंज सिल्वर मेडल इन पैरालंपिक्स इन विच इवेंट? क्वेश्चन नंबर 9 स्टूडेंट्स, एसके पूछ रहे हैं सर आप कांगड़ा से हो? हां जी बिल्कुल, मेरा संबंध कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही है। लीप गर्ल, डिस्कस थ्रो बता रही है, मिस्टिकल क्लाउड सी बता रही है, जेवलिन थ्रो, रितिका ठाकुर सी, विनय कुमार सी, ऑल ऑफ यू आर सेइंग सी, सी बता रहे हैं सभी, जेवलिन थ्रो, प्लेयर्स के बता रही है डिस्कस थ्रो, मिक्स आ रहे हैं आंसर स्टूडेंट्स आपके। तो स्टूडेंट डिस्कस थ्रो जो है वो सही आंसर है, ठीक है, और सिल्वर मेडल जीता है इन्होंने डिस्कस थ्रो में, योगेश खुतानिया इनका नाम है। ठीक है, किस कैटेगरी में जीता है? F56। देखिए क्या है कि पैरालंपिक्स में डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल एक कैटेगरी होती है, क्योंकि डिसेबिलिटीज की भी कैटेगरीज हैं, कोई व्यक्ति कितना डिसेबल है उस हिसाब से जो है पैरालंपिक्स में पार्टिसिपेशन रहता है। तो बहुत अच्छी न्यूज ये हमारे लिए आई है भाई, ये इन्होंने जीता है मेडल। चले सो चलिए स्टूडेंट, हियर वी कंप्लीट। ये कुछ इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज़ थी जो हमने डिस्कस की हैं, बेसिक आपको ये याद रखना है, और जैसे ओलंपिक्स का डेटा आप दिमाग में रखेंगे वैसे पैरालंपिक्स का भी रखेंगे, किस व्यक्ति ने कितना मेडल जीता है, किस इवेंट में जीता है, किस पर्टिकुलर कैटेगरी में जीता है, ये बेसिक आपको पैरालंपिक्स का भी जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा। व्हाट इज क्लियर स्टूडेंट्स? सो चलिए, हियर वी कंप्लीट टूडे, आज लेक्चर यहीं खत्म करेंगे, कुछ नया आई होप सीखने को आपको जरूर मिला हो, एंड कल मिलते हैं इसी टाइम पे। हाँ एक रिक्वेस्ट है स्टूडेंट आपसे, थोड़ा सा ना कि जब स्टार्ट सेशन होता है तो मुझे लगता है थोड़ा आप लेट कर जाते हैं, आधे 3-4 क्वेश्चन निकल जाते हैं आपके इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो ठीक आपने 6:30 बजे या 1-2 मिनट बी रेडी बिफोर द सेशन, सो दैट वी कुड कन्वीनियंटली कंटिन्यू द होल सेशन। चलिए स्टूडेंट, इसी टाइम पे मिलेंगे हम कल, थैंक यू वेरी मच। ठीक है जी, आपके रिक्वेस्ट मान लेते हैं हम, जल्दी ही हम अपलोड करेंगे जो HP का भी करंट अफेयर्स है वो आपकी हमारी वेबसाइट पे। ठीक है, चलिए, थैंक यू ऑल ऑफ यू।